सतना जिले के रामनगर से विधायक राम खेलावन पटेल क्रिमिक अनशन पर बैठे हुए हैं, जिनके समर्थन में अब चौराहट से भाजपा विधायक सरदेन्दु तिवारी भी आ गए हैं। अमरपाटन में अनशन पर बैठे विधायक से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि यह सरकार दारू और बालू की सरकार है, यह सरकार किसान कर्मचारी और छात्र विरोधी सरकार है। सतना से रविशंकर पाठक की रिपोर्ट। किसानों की विरोधी है, कर्मचारियों की विरोधी है, छात्रों की विरोधी है, युवाओं की विरोधी है, सबके हित में चल रही योजनाओं को इन्होंने बंद किया है। और अब तो यहाँ निकृष्टतम कार्य हुआ है उस सरकार के द्वारा, 51 कर्मचारियों को यहाँ के नगर पंचायत से निकाल दिया गया है। जो अतिथि विद्वान है लगभग 2500 से 3000 मध्य प्रदेश के, वो आज धरने पर बैठे हुए हैं। 25-25 साल से जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके बच्चे कहाँ जाएं। आज एक बहुत ही दुखद घटना उसमें हुई है, एक महिला अतिथि विद्वान की वहाँ मृत्यु हो गई है अनशन करते हुए। यह सरकार कुप्रबंधन की शिकार सरकार है, भ्रष्टाचार में लगी हुई सरकार है, बालू और दारू की सरकार है।